डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेसेस ऑफ केयर अगर हम प्लेसेस ऑफ केयर की बात करते हैं तो प्लेसेस ऑफ केयर एक्सर्ट ओवर द केयर एंड क्वालिटी ऑफ ऑफ लाइफ आर टू टाइप्स केयर एक्चुअली जहां पे लोगों की केयर की जाती है एक है इंस्टीट्यूशन केयर और एक है आपकी कम्युनिटी केयर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अच्छा जो इंस्टीट्यूशन केयर है उसको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया रिगार्डिंग, है रिगार्डिंग काफी सोशोलॉजिस्ट हैं काफी रिस्ट्रेचर्स ने इसके ऊपर काम किया उन्होंने कहा जी इंस्टीट्यूशन जो केयर है वो आपकी आइडेंटिटी को खत्म कर देता है आपकी जो एक सेल्फ इमेज है उसको खत्म कर देता है और आपका अपना इमेज खत्म करके जो इंस्टीट्यूशन का इमेज है वो आपके साथ होता है उसके स्टार्ट में तो एक कंसेप्ट था कि जी आपने अजालम बना देने हैं यू हैव मेंटल हॉस्पिटल जहां आप पेशेंट को भेज देते थे वो अपने वहां पे लॉन्ग स्टे करते थे लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे होता था और वहां पे अपने ट्रीटमेंट करवाते थे मतलब विदेज ऑफ टाइम इस आइडिया के अंदर इनोवेशन आई कम्युनिटी आप लोगों को उनके घरों के अंदर ट्रीट करें और के टो हों अपने आ, फ्रेंड्स और नीड ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रिएट डोसैलिटी एंड द्लाइंस इंस्टीट्यूशन कैन री स्ट्रक्चर सेल्फ एंड आइडेंटिटी मीन आपके वजह से आपके जो सेल्फ इमेज है आपकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं मीन अगर आप किसी मेंटल अजालम में, में गए हैं तो आपको एज अ मेंटल पेशेंट ट्रीट किया जाएगा जो आपकी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी इसके अगर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि बींग अ प्रजेंट अगर आप किसी जेल में जाते हैं तो जेल क्या करते हैं वो आपके जो अपने क्लोध हैं वो रिमूव कर देते हैं आपको उनके जो क्लोध हैं वो पहने पड़ते हैं उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है वो जो खाना आपको देते हैं आपको वो खाना पड़ता है सेम इज अ केस विद मेंटल अजालम्स वहाँ पे भी यही सिचुएशन होती है कि आपको इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है किसी हॉस्पिटल में जाके आपको हॉस्पिटल की ड्रेसिंग करनी पड़ती है तो so, ये जो इंस्टीट्यूशन है आपकी बॉडी की आ, आपकी बॉडी पे आपके माइंड पे आपकी और पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और आपकी आइडेंटिटी अपनी जो आइडेंटिटी है बींग या सेल्फ वो उसमें बहुत ज्यादा मुतासर होती है अच्छा इसको अगर हम बात करें गूफ में एक साइंटिस्ट था उसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया उसने कहा जी अगर हम टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशन तो जो इंस्टीट्यूशन में आपको सबसे पहले ये कि टोटल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम करें इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे जहां पे आप काम कर रहे होते हैं That might be you are working as a आप a, as a caretaker केयर टेकर काम करें आप टीचर काम करें आप kaam पर भी, भी काम करें देट डिफरेंट दिद, दिद, इंस्टीट्यूशन अच्छा लेकिन अगर आप बात करते हैं ज्यादा जो इसका काम था तो गोवमैन का वो mental अजालम patients पे था कि उसने कहा कि अगर mental patient है और ऐसे पेशेंट हैं जो जहाँ पे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे करते हैं तो उनके सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है जब वो इंस्टीट्यूश में जाती है मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ मीन उनकी अम्बेरसमेंट अम्बेरसमेंट होती है उनको दे फेट अशीम्ड अबाउट सर्टन थिंग्स फिर होता है रिकोगनाइजेशन अफसर एक उसके बाद सेकंड फेज आती है जिसमें वो रिकोगनाइज करते हैं उस इंस्टीट्यूशन को उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू हो जाती है और एट द एंड ये होता है कि अपने आप को उसके इंस्टीट्यूशन के हवाले कर देते हैं मेन जो जिस तरह इंस्टीट्यूशन ने कहा वो उस उसने उन्होंने अपने आप को शेप किया अब इसके अंदर सर्टन स्टेजेस भी आती हैं जिसमें उनका विड्रॉल भी आता है उनकी एक्सेप्टेंस भी आती है लेकिन बट ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है अच्छा फिर गुवमेंट को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था इसके इस कंसेप्ट के ऊपर कि इसका जो कंसेप्ट है इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी वन हर किसी को एप्लीकेबल नहीं है फिर हमारे पास जो दूसरी आ गई केयर प्लेस ऑफ केयर वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी इन्वॉल्वेंट में क्या है जी कम्युनिटी होती कैच इज यूज टू मीन मैनी डिफरेंट सोशल अरेंजमेंट एंड इंटर एक्शन अब कैन से एक जो मोर कॉमन टर्म है डेफिनेशन है कम्युनिटी की अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर शेयरिंग सम कॉमन करक्टिस्टिक्स यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो किसी एक जगह रह रहे हैं उनकी कुण है, कुण है, कुण है, है, कोई ना कोई क्रैटिस्टिक्स उनमें कॉमन है माइट माइटी रिलीजन कॉमन है माइट माइटी कोई रेस कॉमन है कुछ ना कुछ कॉमन चीजें वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं एक तो ये भी है और कुछ ये भी है कि यूज टू मीन मैनी डिफरेंट सोशल अरेंजमेंट एंड इंटर अच्छा अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं जो कम्युनिटी के अंदर आपको केयर मिलती दैट इज मोस्टली इनफॉर्मल केयर इनफॉर्मल केयर मीन कि वो केयर नहीं होती है आपके फ्रेंड आपको दे रहे हैं आपके रिलेटिव आपको केयर आपके, आपके प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी जो केयर है वो टू एक्सपेक्टेड होती है फिजिकल केयर इफेक्शन जब आपके रिलेटिव आपके आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव आपकी केयर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले फिजिकल केयर फिजिकल केयर में आपकी ईटिंग है आपकी बाथिंग है आपकी मेडिसिन डिस्पेंशन है आपकी सब हैं। और फिर इफेक्शन है कि वो जो एक क्लोज बॉन्ड रिलेशनशिप होता है बिकॉज ऑफ द फैमिली एंड रिलेटिव वो आपका उनके साथ बिल्डअप हो रहा होता है सो इट्स यूजली जो केयर होती है ये इनफॉर्मल केयर होती है तो अगर हम इनफॉर्मल केयर को फर्दर एनालाइज करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर इट्स अनपेड एंड इट्स प्रोवाइड थ्रू बॉन्ड्स ऑफ किनशिप टिपिकली अप्लायड टू दोड लॉन्ग टर्म केयर मीन बहुत सी जगहों पर ऐसे होता है कि हॉस्पिटलाइज uh, जो पेशेंट होते हैं उनको इंस्टीट्यूशन कहते हैं जी आप इनको अगर घर ले जाए तो इट दे शुड बी बेटर ट्रीटेड एट होम तो जब वो घर आते हैं उनकी लॉन्ग टर्म केयर होती है और आपके जो फ्रेंड्स है आपके जो नेक्स्ट क्लोज रिलेटिव होते हैं वो आप इट टेक केयर कर रहे होते हैं अगर इन द केस ऑफ द हजबैंड वाइफ कर रही होती है वाइफ है बच्चे कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मल केयर जो है आपकी चल रही होती है अच्छा फिर हम अगर फर्दर बात करते हैं अब एंड बॉडी एंड द केयर द बॉडी इज आल्सो सिम्बोलिक एंड सोशल दिस कैन रीओड्रिप एग्जिस्टिंग बॉडी इंटरेक्शन पॉसिबल प्रॉब्लम वोट फॉर द पर्सन हु इज केयर एंड एन केयर यानी एक अगर पर्सन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म एक पर्सन दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा एक तो ये कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है और सम टाइम ये कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट भी क्रिएट करता है मीन अगर एक पर्सन को आप एंगेज कर देते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म इतने ज्यादा केयर के लिए तो माइंड उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो सोशली डिस्टर्ब भी होता है बिकॉज बॉडी तो आपकी है उसको एक केयर चाहिए और जो पर्सन है इसको आप केयर दे रहे हैं एक टू एक सम एक्सटेंड कर सकते हैं तो अगर हम देखें देर सर्टन बेनिफिट्स एंड द डिसडवाटेज ऑफ इंस्टूशन केयर एंड कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूशन के अपने बेनिफिट्स एंड डिस एडवांटेजे हैं एंड कम्युनिटी केयर के अपने बेनिफिट्स एंड डिस एडवांटेजेस हैं थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स